हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमें 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, तो जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में 4 मिलेगा हमें और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया कि अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आया और ये 2 भी एज इट इज आया। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में है या दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और डिवाइड के राइट में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल यहां पर लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4/10 एक फ्रैक्शन नंबर है, तो हम यही मेथड यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया। तो ये 4/10 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, तो 2 का रेसिप्रोकल हम यहां पर लिखेंगे। ये रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि 2 है तो 2 अकेला नहीं होता, 2 के नीचे अपॉन में 1 होता है। तो किसी भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल निकालते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, यानी कि 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, तो 2 का रेसिप्रोकल हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर में 4 है, यहां डिनोमिनेटर में 2 है, ये 4 और 2 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 2 से कटते हैं। तो अब हम इन दोनों को ही 2 से काटेंगे, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां 1 है, 2 × 1 2 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 2 आ गया। यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां 1 है, 10 × 1 10 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 10 आ गया। अब हमें मिल गया है 2/10। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 0 है, हम इस 0 को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में 2 लिखा है, कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा है। जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है, तो जब आप डिनोमिनेटर से 1 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो ये 2 हमने एज इट इज रखा, और यहां पर जो ये डेसिमल लास्ट में था ये यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, और डेसिमल के लेफ्ट में हम ये 0 लिख सकते हैं। इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ ये लिखने का एक तरीका है। तो जब हमने 0.4 को डिवाइड किया 2 से तो हमें आंसर मिल गया है 0.2। अब हम सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 0.35 डिवाइडेड बाय 5, हमें 0.35 को डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें 35 मिलेगा और अपॉन में 100 आएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आएगा और ये 5 भी एज इट इज आएगा। अब ये 35/100 यहां पर एज इट इज आ गया, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में 35 है, यहां डिनोमिनेटर में 5 है, ये दोनों ही नंबर आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर को 5 से काट देंगे। देखिए 5 1 द 5, और यहां देखिए 5 7 द 35, तो ये 35 और 5 आपस में कट गए। अब यहां न्यूमरेटर में 7 आ गया, यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां न्यूमरेटर में 7 है, यहां 1 है, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो न्यूमरेटर में 7 आ जाएगा। यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां 1 है, 100 × 100 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब हमें मिल गया है 7/100। अब हम 7 को डिवाइड करेंगे 100 से।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 7 यहाँ पर हमने एज इट इज रखा और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था उसे हमें दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले इसने 7 को क्रॉस किया। अब देखिए 7 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं थी और हमें डेसिमल को दो डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो पहले ये 7 को क्रॉस करेगा और 7 के लेफ्ट में हम ये जीरो लगा देंगे और डेसिमल इसके लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डेसिमल यहाँ से 1 2 2 डिजिट क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये जीरो लगा सकते हैं। तो जब हमने 0.35 को डिवाइड किया 5 से तो हमें आंसर मिला है 0.07। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 2.48 डिवाइडेड बाय 4। हमें 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे। तो जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में आएगा 248 और अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि अगर आप यहां ध्यान से देखें तो राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल हो और आप डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया और ये 4 भी एज इट इज आ गया। अब ये 248 अपॉन 100 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4। तो यहाँ पर हम 4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में है 248, यहाँ डिनोमिनेटर में है 4। ये दोनों ही नंबर्स को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही 4 से कट सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटते हैं। 4 1 4 और ये देखिए 4 6 24, 24 तो कट गया, बचा क्या 8, 4 2 8। अब यहां पर न्यूमरेटर में 62 है, यहां 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 62 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 62 और 100 × 100 होता है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो अब हमें मिल गया है 62/100। अब हम 62 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं, हम इन दोनों जीरो को यहाँ से हटा देंगे और न्यूमरेटर में चेक करेंगे कि डेसिमल कहाँ पर है। जब न्यूमरेटर में कहीं डेसिमल नहीं दिखता है तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाएंगे तो जो डेसिमल यहाँ लास्ट में है ये यहाँ से दो डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में। तो ये 62 यहाँ पर हमने एज इट इज रखा और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था वो यहाँ से दो डिजिट क्रॉस करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इसके लेफ्ट में आप ये जीरो लगा सकते हैं। तो जब हमने 2.48 को डिवाइड किया 4 से तो हमें आंसर मिला है 0.62। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 65.4 डिवाइडेड बाय 6, यानी हमें 65.4 को डिवाइड करना है 6 से। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे। जब ये डेसिमल हम यहां से हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में आएगा 654 और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10 आता है। ये डिवाइड का साइन यहां पर एज इट इज आ जाएगा और ये 6 भी एज इट इज आ जाएगा। अब 654 अपॉन 10 यहां पर एज इट इज आ गया। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 6 का रेसिप्रोकल 1/6 होता है स्टूडेंट्स। तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6 हम यहां पर लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में है 654, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है। ये दोनों नंबर्स आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही नंबर 6 के टेबल में आते हैं। तो हम दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। देखिए 6 1 6, ये तो ये 6 कट गया। अब यहां पर देखिए 6 1 6, अब इसके बाद बचा 5। अब 5 तो 6 से नहीं कट सकता, हमें अगला नंबर कैरी करना पड़ेगा। जब आप बिना इस नंबर को काटे अगला नंबर कैरी करते हैं तो यहां पर ना काटने की जीरो आती है। अब हम अगला नंबर कैरी करते हैं, ये बन गया 54। 6 की टेबल में 54 कहाँ आता है, 9 पे। 6 9 54, तो 654 और 6 ये दोनों ही 6 से कट गए हैं। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में 109 है, यहाँ 1 है। 109 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से
तो न्यूमरेटर में 109 आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ 1 है, 10 × 1 10 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 10। अब हमें मिल गया है 109/10। अब हम 109 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 10 है, हम इस 10 को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 10 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ यहाँ आ जाएगा। तो 109 को हमने यहाँ पर एज इट इज रखा और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था वो यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो जब हमने 65.4 को डिवाइड किया 6 से तो हमें आंसर मिला है 10.9। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।